हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? ठीक है बच्चों, आज हम लोग वेक्टर का अगला टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियो बना चुके थे जिसमें डॉट प्रोडक्ट तक हम लोग आगे बढ़ चुके थे। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी मजेदार है। अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए, मेरे साथ अपने नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। अपनी पढ़ाई हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की बात आती है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। तो बच्चों एक चीज, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो हमारा रिजल्ट आता था वो स्केलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आता था, हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से उसको जानते थे। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं और उसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं तो आप खुद जान जाएंगे उसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका रिजल्ट आएगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और जिस रिजल्ट के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो रिजल्ट आना है वो किस में आएगा? डायरेक्शन में भी आएगा और मैग्नीट्यूड, इसका मतलब एक तरीके से क्या आएगा? वेक्टर में आएगा। और इसको हम लोग दिखाते कैसे बच्चों? दो वेक्टर के बीच आपस में क्या लगा हो? क्रॉस सिंबल लगा हो, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे उसकी वैल्यू ए बी कॉस थीटा, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड, और ये हमारा क्या बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से बच्चों अगर हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन मान लीजिए पता हो, ठीक है, या एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए ध्यान से देखते हैं। दो वेक्टर है, ठीक है, आपस में कितना डिग्री बना रहे? थीटा। एक बी वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। ठीक है, आइए इनका क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको समझाता हूँ, कैसे डायरेक्शन को पहचाना जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो आ जाता है, ये जो यूनिट वेक्टर ये तो डायरेक्शन को बताएगा। ए और क्रॉस बी, जैसे हम यहाँ पे निकालना चाहें ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसका हमको एक तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन। जैसे लिखा हो बी क्रॉस ए, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना बता देते हैं, फिर उसके बाद ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है डिटर्मिनेंट को यूज करके वो सिखा देते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्शन सेंस देखते हैं बच्चों, कैसे पहचानोगे डायरेक्शन को? तो ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब आप ए से किधर की ओर आ रहे हो? बी की तरफ। मेरा नोटेशन समझ लीजिएगा, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए से किधर की ओर आ रहा है? बी की ओर। बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया? कि बी से किधर की ओर आ रहे हो? ए की तरफ। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया? ए से किधर आ रहे हो? बी की तरफ। और बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया? कि बी से किधर आ रहे हो? ए की तरफ। अब देखिए इसका मतलब अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किससे कर सकते हैं? अगर देखें तो बच्चों इसका डायरेक्शन हम लोग स्क्रू रूल, स्क्रू टाइट करना आता है ना, स्क्रू रूल और थंब रूल भी बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में। ठीक है, चलिए ध्यान से करते हैं। इसका डायरेक्शन हम आपको बताते हैं। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना? ए क्रॉस बी। तो ए की तरफ हाथ कर लीजिए ऐसे, और ए से बी आना है, इसका मतलब ए से किधर आना है? बी। ए से किधर आना है? बी। ए से किधर आना है? बी। तो किधर आना है? ऐसे। तो अगर हम देखें तो मेरा जो हाथ घूम रहा है वो किधर घूम रहा है? ऐसे। ए क्रॉस बी। थंब किधर निकलेगा? जिधर थंब होगा वही ए क्रॉस बी का क्या होगा? डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? जो आपका थंब होगा वही ए क्रॉस बी का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं। तो ए क्रॉस बी मतलब ए की तरफ हाथ किया, और बी मतलब ए से किधर आए? बी। और खुद से बच्चों अगर ध्यान से देखो स्क्रू रूल, हमारा रोटेशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे पेंच को ऐसे खोलो तो पेंच अगर देखो तो बाहर की ओर खुलता है कि नहीं, तो रिजल्ट किधर मिलता है? बाहर की ओर मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे A क्रॉस B अगर देखेंगे तो कितना, मान लो ये C वेक्टर आता है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड। अभी मैं मार्कर से भी समझा दूंगा, ठीक है। अब आगे चलें, अब हमें B क्रॉस A निकालना है। क्या निकालना है? B क्रॉस A, ठीक है। दोनों का अलग अलग, क्योंकि भाई वेक्टर प्रोडक्ट है, कुछ भी अगर चेंज करते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। A क्रॉस B तो मैंने बता दिया किधर डायरेक्शन आएगा, आउटवर्ड आएगा। B क्रॉस A देखते हैं, B वेक्टर और A वेक्टर, B से किधर आए, A की तरफ, B से किधर आए, A की तरफ, B से किधर आए, A की तरफ। तो B से बच्चों A की तरफ आए, B से A की तरफ आए, ये ऐसा है। आपका थंब किधर खुला, अंदर की ओर। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो किधर की ओर आएगा, इनसाइड आएगा। तो A क्रॉस B का जो रिजल्ट आया वो किधर आया, आउटवर्ड आया। और B क्रॉस A का जो रिजल्ट आया वो किधर आएगा, इनवर्ड आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो और स्क्रू रूल से मैं समझाता हूँ। बी क्रॉस ए ऐसे टाइट करो तो अगर देखो तो पेचकस से अगर टाइट करो स्क्रू को तो स्क्रू किधर की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो इनवर्ड रिजल्ट आएगा। तो डायरेक्शन हम समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको मार्कर से आपको समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास 3 मार्कर है, ठीक। अब देखिए ये 2 वेक्टर था, ऐसा था, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, इसके रिजल्ट को बना लेते हैं, क्या है, सी आ रहा है। कितना आ रहा है, सी आ रहा है। इस सी के डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक। एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं दूसरे कलर का, ठीक। ये दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक। ध्यान से देखिए, ए बी, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए से किधर आओ, बी की ओर, ए से किधर आओ, बी। तो आपका ऐसे ऐसे खुलेगा और स्क्रू ऐसे ऐसे खोलो तो रिजल्ट किधर की ओर है, बाहर की ओर। तो जो तुम्हारा सी वेक्टर बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर की ओर। ध्यान से देखिए, ऐसा दिख रहा है, किधर की ओर है, बाहर की ओर, दिख रहा है ना। अब आगे चले, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ऐसा हरा वाला मार्कर बी, लाल वाला ए, बी क्रॉस ए। तो अब किधर से, बी से ए, बी से ए, थंब किधर की ओर, अंदर की ओर। तो रिजल्ट किधर की ओर आएगा, अंदर की ओर। देखिए कैसा बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए मैंने डायरेक्शन बता दिया। अब बच्चों सी का जो रिजल्ट है ना, इससे कई चीज सीखने को मिलेगी। देखो कैसे, अब अगर हम ए क्रॉस बी लिए थे तो हमारा सी का डायरेक्शन ये सी हमारा काला वाला है, रिजल्ट है, ये ए है, ये बी है। अब इस रिजल्ट को ए बी के साथ देखो कितना एंगल बना रहा है। ये देखो काला लाल मार्कर लाल वाले से कितना बना रहा है, 90 डिग्री। सी जो रिजल्ट है वो ए से कितना बना रहा है, 90 डिग्री। और ग्रीन से देखो, उससे भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर सी है जो भी रिजल्ट है वो ए से कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी से भी क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर अगर आता है तो जो भी रिजल्ट आता है वो इंडिविजुअली जो भी वेक्टर्स होंगे ए से भी परपेंडिकुलर होगा और बी से भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक बार और देखना चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। इनसाइड वाला अगर देखना तो इनसाइड वाला देख लो, इनसाइड रिजल्ट ये होगा। देखिए काला वाला हरे वाले से 90 डिग्री, और देखिए काला वाला लाल वाले से कितना 90 डिग्री बना रहा है। आ गया समझ में, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्स एक्सिस जिसको हम लोग किस कैप से दिखाते, आई से। वाई एक्सिस जिसको हम लोग किससे दिखाते, जे कैप से। जेड एक्सिस जिसको हम लोग किससे दिखाते, के कैप से, ठीक है। चलिए कुछ रिजल्ट बच्चों लिख लीजिएगा रिमार्क में। ठीक, जैसे निकालना आई क्रॉस जे, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट। इतना तो पता है ना, आई और जे के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई जे साइन थीटा, और थीटा इनके बीच कितना बन रहा है, अगर ध्यान से देखो तो 90। साइन 90 बच्चों कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, ठीक है। कि i क्रॉस j साइन 91। अब ये अगर देखें तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन, क्योंकि a क्रॉस b रिजल्ट किस में आता है, डायरेक्शन आता है। तो डायरेक्शन चेक करते हैं कि i क्रॉस j इज इक्वल टू हमारा क्या होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आगे समझते हैं, i क्रॉस j अगर निकालना हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। और i और j यूनिट वेक्टर, इतना समझ में आता है। देखिए ये है मार्कर i वेक्टर और j वेक्टर, i वेक्टर और j। i क्रॉस j का क्या मतलब है, i से किधर की ओर आना है, j की ओर। i से किधर की ओर आना है, j की ओर। इतनी बात सबको क्लियर। ठीक है, i से किधर आना है, j की ओर। तो i से किधर आना है, j की ओर। ऐसा होगा कि नहीं, तो जब ऐसा होगा, ऐसे करिए तो पेचकस से अगर हम स्क्रू ड्राइवर से अगर ऐसे करेंगे तो रिजल्ट किधर क्या बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। चाहे तो देखिए ऐसे हम लोग ऐसे ही तो आ रहे हैं, तो थम किधर है, बाहर। तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, रिजल्ट किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। तो देखिए आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट आ रहा है वो किधर आ रहा है। तो देखो ध्यान से, कौन सी एक्सिस है, काली वाली कौन सी दिख रही है, जेड एक्सिस दिख रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि i क्रॉस j का रिजल्ट कितना बच्चों आएगा, k आएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, j क्रॉस k निकालते हैं, आइए चेक करते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा। j क्रॉस k कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक, ऐसा दिख रहा है। ठीक, j क्रॉस k मतलब एक तरीके से j से किधर आना है, k की तरफ। j से किधर आना है, k। j से किधर आना है, k। ठीक है, इसको बच्चों हॉरिजॉन्टल है तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको एक काम करते हैं, हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। अब सही है, इसको जेड एक्सिस मान लो, फिर बाकी मैं आपको बता दूं, या इससे सरल तरीका बच्चों बताता हूं। अब देखो, एक होता है साइक्लिक रूल। ठीक है, आई जे ऐसे करोगे, कितना हाथ आप अपने आप मोड़ोगे। ठीक है, तो देखो सबसे सरल तरीका, आई क्रॉस जे, आई से किधर जे, तो रिजल्ट क्या आया, के हो गया। ठीक, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के रिजल्ट कितना आएगा, आई। दो का मल्टीप्लाई कर जो तीसरा। अब अगर देखें k क्रॉस i निकालना है, k क्रॉस i, तो k क्रॉस i निकालेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, j। ठीक, तो हमें यहां से एक रिजल्ट मिला, i क्रॉस j जो होता है वो क्या होता है, k। j क्रॉस k जो होता है वो कितना होता है, i। और k क्रॉस i जो होता है वो कितना होता है, j कैप होता है। ठीक, अब इसका उल्टा अगर चले, एग्जामिनर उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान से देखिए। पूछ लिया j क्रॉस i, तब क्या होगा। अब J क्रॉस I को भी एक बार मार्कर से समझा देता हूं। ठीक, J क्रॉस I, J से किधर, I की ओर। J से किधर, I की ओर। J से किधर, I। थम किधर की, अंदर की ओर खुल रहा है। जब अंदर की ओर खुल रहा है तो ये जो काला वाला मार्कर मेरा है, ये तो माइनस के कैप होगा। Z का डायरेक्शन नेगेटिव, ये Z का पॉजिटिव डायरेक्शन, Z का किधर, नेगेटिव। तो क्या आंसर मेरा आया, माइनस के कैप। तो हमें ये पता चला J क्रॉस A उल्टा चले आएगा तो k, मगर उल्टा चले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। आगे चले k क्रॉस j अगर देखें, k क्रॉस j भी क्या हो जाएगा, माइनस i। i क्रॉस k निकालें, कितना हो जाएगा, माइनस j। ठीक है, तो उल्टा चले तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इतनी चीज हमें पता चल गई पहले दिमाग में। तो डॉट प्रोडक्ट में याद होगा, सेम को जब मल्टीप्लाई कराते थे तो 1 आता था, और अपोजिट को मल्टीप्लाई कराते थे तो 0, मगर यहाँ अपोजिट मल्टीप्लाई करें तो 0 नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिमार्क आते हैं। ठीक, आई क्रॉस आई निकालते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होगा। आई क्रॉस आई, दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। आई वेक्टर, आई वेक्टर, इनके बीच कितना डिग्री बनेगा, 0। तो देखते हैं, आई इंटू आई साइन, और इनके बीच कितना डिग्री, 0 साइन 0 0। तो i क्रॉस i कितना हो गया, 0। j वेक्टर, j वेक्टर, j क्रॉस j, दोनों j वेक्टर है ना, j क्रॉस j, इनके बीच भी कितना डिग्री बन रहा है, इनके बीच 0 ही बन रहा है। तो j क्रॉस j भी इसी तरीके बच्चों कितना आ जाएगा, 0। और इसी तरीके k क्रॉस k भी कितना आ जाएगा, 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम जो मल्टीप्लाई है उसका जो प्रोडक्ट है 0, और वहां डॉट प्रोडक्ट में ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है कि नहीं आता, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या a क्रॉस b और B क्रॉस A क्या आपस में इक्वल होंगे? सोच के बताइए, आपस में इक्वल हो सकते हैं? आइए चेक करते हैं। अब देखो वही चीज, मान लो A क्रॉस B का रिजल्ट ये आया, A क्रॉस B का रिजल्ट ये आया और B क्रॉस A का रिजल्ट ये आया। एक का रिजल्ट इधर आ रहा है, एक का रिजल्ट इधर आ रहा है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि ये आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर कब होंगे? देखो ध्यान से, अगर हम देखें A क्रॉस B को देखें, A क्रॉस B, A क्रॉस B रिजल्ट ये आया हमारा, आ गया। अब B क्रॉस A को अगर देखें तो B क्रॉस A को देखें तो रिजल्ट पीछे आ गया। जो भी रिजल्ट आया उसको आप उल्टा मोड़ दो, ऐसा समझो। A क्रॉस B लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट मान लो C आएगा। ये C वेक्टर किधर की ओर है? आउटवर्ड, बाहर की ओर, ऐसा दिख रहा है, बाहर की ओर, बाहर उधर। अब B क्रॉस A अगर देखो, B क्रॉस A अगर देखो, B क्रॉस A रिजल्ट तो वही है मगर किधर की ओर है? अंदर की ओर आ रहा है। आ तो सी ही रहा है मगर किधर की ओर आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। ठीक, अब क्या होगा? एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो इस वेक्टर को अगर हमको इधर दिखाना है तो माइनस लगा दो यार। इस वेक्टर को अगर रोटेट करना है 180 डिग्री क्या लगा दे? माइनस लगा दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस B क्रॉस A को अगर हम देखें C इनवर्ड आ रहा है, तो अगर हम A क्रॉस B और B क्रॉस A को अगर आपस में बराबर शो ही करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट है इनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड को बराबर कैसे करोगे भाई? इनवर्ड आउटवर्ड, तो इनवर्ड को क्या करो? 180 डिग्री रोटेट कर दो, आ गया आंसर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनवर्ड आउटवर्ड हम हटाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस C लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस C। माइनस अंदर का डायरेक्शन, प्लस इधर का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि A क्रॉस B को हम बराबर तो दिखा सकते हैं, मगर कब दिखा सकते हैं? जब दोनों के बीच कौन सा सिंबल आ जाए? माइनस। माइनस क्या बताएगा कि हमारा जो रिजल्ट, A क्रॉस B का रिजल्ट देखो ऐसे बाहर की ओर, B क्रॉस A का रिजल्ट अंदर की ओर, माइनस लग गया तो किधर हो गया? आ गया समझ में ना? ठीक, चलिए ये रहा A क्रॉस B। ठीक, आगे चलते हैं। अब बच्चों, हाउ टू फाइंड A क्रॉस B। ठीक, अब बात आती है कि A क्रॉस B को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अभी तो हम लोगों ने डायरेक्शन सीख लिया स्क्रू रूल से, ठीक है, और थंब रूल से। आइए देखते हैं, उससे पहले बच्चों में आपको मैथ का एक टॉपिक डिटर्मिनेंट आपको सिखाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट, ठीक ठीक, देखते कैसे। जो बच्चे ही मैथमेटिकल टूल्स में आता है मगर सीखने पे आए तो बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। जैसे लिखा हो ए बी सी, ठीक है, डिटर्मिनेंट एक बड़े से ब्रैकेट में ऐसा होता है, ठीक है, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं ऐसा, ठीक है, हम सिखा देते हैं ए बी सी ई एफ जी, ए बी सी, सॉरी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, होता क्या है ना कि ए बी सी डी अगर बोला जाए इसके बाद क्या आता है तो दिमाग में नहीं आता, वो रियाई में हम लोग रिदम में याद होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, और ये कैसा है? 3/3। ठीक है, देखिए दिख रहा है ना? आइए चेक करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैथमेटिकल, ये हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, रोज होती है और कॉलम होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहली रो और पहले कॉलम को क्या कर लेंगे? बाउंड कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे छिपाते हैं ऐसे। ठीक, तो अब देखिए कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? कॉमन पोर्शन देखेंगे तो ए आ रहा है, ए आ रहा है, दिख रहा है? कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है, बाकी आपके मैथ के जो सर होंगे वो आपको मैथ बताएंगे। तो जो भी आ रहा है कॉमन पोर्शन उसको आपने लिखा, और पहला जो टर्म होता है बच्चों उसको प्लस में लिखते हैं, पहला जो टर्म होता है उसको प्लस में। अब आगे चले, ध्यान से देखेंगे मेरी बात को, सीख लेंगे तो याद आएगा। A क्रॉस B, तो कौन कॉमन दिख रहा है? A कॉमन दिख रहा है, उसको मैंने लिख लिया। अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, E इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, कैसा? ठीक, E इंटू आई, एफ इंटू एच। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला ही देख लीजिए, E इंटू आई, सॉरी बार बार कैप लग जा रहा है, E इंटू आई माइनस एफ इंटू एच। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई में। अब आगे चलें, ध्यान से देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब बारी आती है दूसरे कॉलम दूसरे रो की। ठीक, आइए देखते हैं। अब आगे चलें, पहला प्लस हो गया, अब जो दूसरा लेंगे अल्टरनेट सिंबल पे आते हैं माइनस। ठीक, अब देखिए, अब हमने पहले इसको किया, अब हम देखते हैं इसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो हमने बी को कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका है, दिख रहा होगा, डी इंटू आई एफ इंटू जी, डी इंटू आई एफ इंटू जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी, बार बार अभी कैप बन जा रहा है बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस माइनस, अब आगे क्या है प्लस। ठीक है, अब प्लस देखते हैं, अगला देखते हैं, अब कौन कॉमन है, सी कॉमन। अभी बहुत क्वेश्चन में कराऊंगा, क्लियर है, ये कौन है, सी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब ये सी तो कॉमन है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए क्या हो जाएगा, डी इंटू एच ई इंटू जी, डी इंटू एच ई इंटू जी, डी इंटू एच माइनस ई इंटू क्या जी। ये डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान से देखेंगे, पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, कॉमन लिए, कॉमन पोर्शन कितना ए लिख लिया, ई इंटू आई एफ इंटू एच, ई इंटू आई एफ इंटू एच, वही काम किया। दूसरा पोर्शन देखा, कॉमन लिया, माइनस बी हो गया, अल्टरनेट चल रहा है। अब देखें एच इंटू आई एफ इंटू जी, दिख रहा होगा। ठीक है, अगला सी, देखिए क्या कॉमन है, सी, डी इंटू एच ई इंटू जी, डी इंटू एच ई इंटू जी, दिख रहा है कि नहीं, तो बन गया। ठीक है, अब कैसे कैसे इसको वेक्टर में चेंज किया था ये मैं सिखा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन करा देता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा, पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं। 1 2 3 3 2 1 कुछ मान लीजिए 1 1 1, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए। पहला कॉमन पोर्शन देखिए क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, प्लस 1 लिखा, मल्टीप्लीकेशन 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू 1, हो गया कि नहीं देखिए, 2 1 जा 2 1 इंटू 1। अब प्लस हो गया, अब माइनस, अगला कौन कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, अगला कौन कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब देखिए 3 इंटू 1 1 इंटू 1, 3 इंटू 1 1 इंटू 1, प्लस माइनस, अब क्या आएगा, प्लस आएगा। अब कौन सा दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, कौन सा कॉमन दिख रहा है, 3, हमने लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, 3 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 1 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, सॉल्व कीजिए। 1 हो गया, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 माइनस 2 3 1 जा 3, 1 हो गया, प्लस 3 3 हो गया और 2 हो गया, कितना हो गया, 2 में से 1 घटाए कितना, 1 हो गया, 3 में से 1 घटाए 2 हो गया, और 2 2 जा 4 माइनस 4 हो गया, 3 में से 2 घटाए कितना, 1 हो गया, और प्लस 3 हो गया, एक तरीके से सर 0 आ गया, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो मेरा इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0। ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि वेक्टर में कैसे बच्चों अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ठीक, ध्यान से अच्छे से सीखते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तहत, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, और इसका हमको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं, सबसे पहले हमको a क्रॉस b निकालना है, ये ध्यान देना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक, ऐसा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। सबसे पहला आप क्या लिख देंगे, i j k लिख दिए। ठीक, अब सब आई जे कैसे लिख लिया, डायरेक्शन आ गया। अब ए को देखेंगे, ए में देखेंगे आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, देखते जाएंगे तो एक बार में आएगा। आई का कोफिशिएंट कितना लिखा है, 1, जे का कोफिशिएंट कितना लिखा है, 1, के का कोएफिशिएंट कितना लिखा है 2, ठीक। फिर कौन है ना बी, बी का में देखें आई का कोएफिशिएंट कितना लिखा है 2, जे का कोएफिशिएंट कितना लिखा है -1, के का कोएफिशिएंट कितना लिखा है 3। तो ये पूरा फिलसिल पहले आई जे के लिख लिया, फिर ए क्रॉस बी निकालना तो ए सबसे पहला, तो ए में देखे आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 2, ठीक है। बी को देखे आई का कोएफिशिएंट 2, जे का कोएफिशिएंट -1, के का कोएफिशिएंट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं और हमारा क्या, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। आइए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं वैल्यू इसको। तो सबसे पहले कौन कॉमन आया, देखिए आई कॉमन आ रहा है, प्लस आई मल्टीप्लीकेशन करो 1 × 3 2 × -1, 1 × 3 - अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 × कितना -1 हो गया। आगे चले, अब कौन कॉमन, जे कॉमन, माइनस आएगा ना बच्चों, प्लस माइनस, देखिए कितना 1 × 3 2 × 4, 1 × 3 2 × 4। अब आगे चले, अब कौन कॉमन, के कॉमन, ठीक है के कॉमन, 1 × -1, देखिए 1 × -1, 1 × -1, फिर माइनस लगाएंगे ध्यान से, 1 × -1, 1 × 2, 1 × 2, सॉल्व हो गया। अब देखिए i हो गया 1 × 3 3 हो गया, 2 देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे 3 में से 4 गया कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, k हो जाएगा -1 और कितना -2। सॉल्व कर लीजिए, 3 × 5 हो गया, 5i हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, j हो गया, माइनस माइनस 3 हो जाएगा -3k कैप हो जाएगा। तो हमारा ये देखिए ये सॉल्व होके क्या बच्चों आ गया, a क्रॉस b, और देखिए जो रिजल्ट आ रहा है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। तो इसीलिए हम इसको कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए अपने आप, एक और एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक और देख लेते हैं, ठीक। F = i + j + k लिखा हुआ और R = 2i + j लिखा हुआ, बस इतना लिखा और आगे नहीं लिखा, तो 0k अपने से लगा लो यार, ठीक। अब टॉर्क निकालना होता है, अभी आप लोग नहीं जानते होगे, ठीक है। तो R क्रॉस F ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। R क्रॉस क्या होता है, F होता है। चलिए ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लें, आई जे और के लिख लिया। आर सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एक तरीके से R क्रॉस F। तो आर सबसे पहले, आर का कोएफिशिएंट देखिए 2, जे का कोएफिशिएंट देखिए 1 और के का कोएफिशिएंट कितना 0। फिर कौन है F, आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 1। आइए सॉल्व करते हैं। ये एक तरीके से हमारा क्या है, R क्रॉस F है, ठीक। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कौन कॉमन आया, आई, प्लस आई हो गया, जल्दी करेंगे 1 × 1, 1 × 1, 0 × 1, 1 × 1 माइनस 0 × 1, 0 ही होगा, माइनस जे कैप, ठीक। देखिए 1 × 2, 1 × 0, 1 × 2 2 और 1 × 0 0 हो जाएगा। फिर आया प्लस माइनस, अब आएगा कौन, प्लस हो गया, तो देखिए कॉमन हो गया 2 × 1, 1 × 1, 2 × 1 2, 1 × 1 1 हो गया, कितना हो गया i, यहाँ से कितना बचा 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1i, और इसको क्या लिख सकते हैं -2j, और उसको 2 में से 1 गया, 1 ही आना है, तो +1k। तो ये हमारा क्या आ गया, R क्रॉस F आ गया, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, टॉर्क कहते हैं बच्चों। तो देखिए रिजल्ट किस में आया, वेक्टर में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बच्चों ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग जो वेक्टर का वीडियो लाएंगे वो क्वेश्चन पे लाएंगे। तो एक तरीके से वेक्टर खत्म भी हो चुका है, ठीक है। आज वेक्टर का खत्म भी हो गया एक तरीके से वीडियो। अब हम लोग आप लोग को थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, जैसे हमने साइन और कोसाइन रूल के लिए बनाया, तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। वैसे अगला जो अब हम लोग का टॉपिक आएगा, अभी तो क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट अब चैप्टर शुरू होगा मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, नए सब्सक्राइबर बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।